नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के तैयारी हेतु एक छोटे से क्विक रिवीजन के तौर पे इन मेजर प्लान्स को लेकर आई हूँ। ये प्रमुख परियोजनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित हैं और आप लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं आप लोगों के लिए ये छोटा सा क्विक रिवीजन प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इसमें पहली योजना है प्रियदर्शनी योजना। प्रियदर्शनी योजना, इसका प्रारंभ 22 दिसंबर 2008 में हुआ। उद्देश्य था महिलाओं को स्वावलंबी बनाने व उसके सशक्तिकरण हेतु। दूसरा योजना है ग्रीन कॉरिडोर परियोजना। ग्रामीण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना इसका उद्देश्य है और इसका प्रारंभ 30 दिसंबर 2008 को हुआ था। ई पासपोर्ट योजना क्या है दोस्तों? इसके अंतर्गत ई पासपोर्ट धारकों के संबंध में समस्त जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप में रहेगी। ऐसा करने वाला भारत जो है 41वां देश हो गया है। बात करेंगे उज्ज्वला योजना क्या है, तो इसके थ्रू महिलाओं के खरीद फरोख्त पर रोक लगाना, व्यवसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं के उद्धार, पुनर्वास तक पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। अगली परियोजना है शैक्षणिक ऋण योजना। ये 2000 से 2001 के बीच में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत देश व विदेश में बच्चों की पढ़ाई हेतु सरकार उन्हें ऋण प्रदान करती है। किशोरी शक्ति योजना 2000 से लेकर 2001 में शुरू हुआ था। ये किशोरियों के लिए है, उनकी शिक्षा से संबंधित है। दो हजार एक में महिला स्वयं सिद्ध योजना। पंद्रह अगस्त 2001 को राष्ट्रीय पोषण आहार मिशन योजना गरीब परिवारों को, गर्भवती महिलाओं को, किशोरियों को अनाज उपलब्ध कराना। फिर है अंत्योदय योजना। इसमें गरीबों को 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल प्रदान किया जाता है और 2000 में शुरू हुआ यह योजना। फिर है संकल्प प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट 17 अगस्त 2008 को शुरू हुआ था। इसके तहत कर्नाटक राज्य में HIV से प्रभावित ESI के लाभार्थियों को परामर्श व उपचार देना। जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी सन 2002 में शुरू हुआ था। इसके तहत ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। फिर है वंदे मातरम योजना।
वंदे मातरम योजना फरवरी 2004 में स्टार्ट हुआ था। गर्भवती को प्रत्येक माह मुफ्त जांच तथा आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराना। कस्तूरबा गांधी बालिका मार्च 2004 में शुरू हुआ था। अब बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करना, इसके तहत फिर है वर्षा बीमा योजना। वर्षा बीमा योजना जुलाई 2004 में शुरू हुआ था। उद्देश्य था वर्षा की अनिश्चितता से कृषकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। फिर है दुर्घटना बीमा योजना। इसके तहत छोटे किसानों को बिना किसी प्रीमियम के दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना। लास्ट है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। अप्रैल 2005 वर्ष 2009 तक सभी गांव में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया इस उद्देश्य के थ्रू। तो दोस्तों, यह मेरा छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, जाते जाते मैं अपनी एक बात रखना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने ये वीडियो अभी नया नया स्टार्ट किया है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से है, लेकिन मैं ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी दिनों से सोच रही थी। मैं चाह रही थी दोस्तों कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, और अभी अभी मैंने शुरुआत किया है। तो मैं चाहूँगी दोस्तों कि आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को और डिसलाइक ना करें। प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फुल देखें। तो धन्यवाद दोस्तों।